hello everyone i welcome you on the behalf of rasa international school i hope you all are doing good and safe at your homes so today in this video we are going to continue chapter number one of class 8th which is crop production and management part 7 and in this part we are going to discuss about harvesting threshing and winnowing storage and improving crop production which is on your book page number 11 पेज नंबर थर्टी सो लेट्स स्टार्ट विथ हारवेस्टिंग थ्रेशिंग एंडविंग इन द प्रीवियस वीडियोज़ हमने क्या क्या पढ़ लिया था हमने पढ़ लिया था कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है सॉइल की हमें कैसे सीड्स को बोना है कैसे एडिशन करना है मेन्यर एंड फर्टिलाइजर्स का हाउ टू इरिगेट द फील्ड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द वीड्स एंड द पेस्ट एंड द लास्ट थिंग इज हारवेस्टिंग थ्रैशिंग एंड विनूविंग ओके वॉट इज़ हार्वेस्टिंग अब क्या है हमारी फसल बिल्कुल रेडी है ओके okay, अब हम क्या करेंगे वॉट इज़ दिस स्टेप ना ओके तो अब क्या करेंगे हम अपनी क्रॉप को की कटिंग करना स्टार्ट करेंगे उसको काटना स्टार्ट करेंगे ओके सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हारवेस्टिंग क्रॉप आर कट एंड गैदर्ड वंस दे आर मेच्योर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग एज़ आई ऑलडी टोल्ड यू दैट की क्रॉप को काटना और उसको एक जगह रखना उसको गैदर करके रखना दिस इज़ कॉल्ड हारवेस्टिंग द क्रॉप इज़ हारवेस्टेड आई दर मैनुअली यूजिंग अ सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड अ हारवेस्ट अब इसको भी हम दो तरीके से या दो टाइप से कर सकते हैं फर्स्ट इज़ यूजिंग अ सिकल बाय मैनुअली बाय हैंड्स और एक मशीन का यूज करके जिसे यूज करते हैं हम हारवेस्टर जर्नली इन दू नो दिस टाइम इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड वी आर यूजिंग मशीन्स इंस्टेड ऑफ़ यू नो डूइंग थिंग मैनुअली हम जर्नली मशीन्स का यूज़ करते हैं तो हारवेस्टर का यूज़ किया जाता है क्रॉप को कट करके गैदर करने के लिए आफ्टर हारवेस्टिंग द क्रॉप ग्रीन्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्राम क्रॉप स्टॉक तो क्या होता है जैसे कि आपको ये दिख रहा है ये क्रॉप को हम यहाँ से कट कर रहे हैं बट इस क्रॉप को इसके पूरे स्टॉक से क्या करना पड़ता है अलग करना पड़ता है सो हाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट द स्टॉक फ्रॉम द ग्रेन्स द ग्रेन इज़ कवर्ड बाई अ हस्क विच इज़ लूजेंड बाय अ प्रोसेस कॉल थ्रेस और ये क्या होता है जैसे कि ऊपर आपको दिख रहे हैं हस्क इससे कवर्ड होते हैं ये ग्रेन्स तो इसको हटाने के लिए सेपरेट करने के लिए लूज करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है दैट प्रोसेस इज़ नोन हैज्रेश दिस प्रोसेस कैन बी डन मैनुअली बाय बीटिंग द क्रॉप स्टॉक अगेंस्ट अ हार्ड फ्लोर और बाय यूजिंग अ मशीन कॉल्ड थ्रैशर यह प्रोसेस भी बाई टू वेज हम कंप्लीट कर सकते हैं एक तो हम ये पूरा स्टॉक ले लें और उसको एक हार्ड सरफेस पर बीट करें उससे और बायूजिंग थ्रेशर मशीन का यूज़ करके भी हम ये कर सकते हैं बाय थ्रैशर देयर इज़ अ फार्म मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज़ यूज फॉर बोथ हारवेस्टिंग एंड थ्रेशिंग एट द सेम टाइम तो आजकल क्या होता है आजकल बहुत सारी ऐसी मशीन आ गई हैं जैसे कि एक फार्म मशीन है जिसे कहते हैं कंबाइन जिसमें हम हारवेस्टिंग की प्रोसेस और थ्रेशिंग की प्रोसेस दोनों एक साथ कर सकते हैं ओके okay, बिकॉज बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यू नो आ रही हैं आज के टाइम ठीक है क्योंकि अगर आप ऐसे क्रॉप को मैनुअली बाई हैंड्स अगर आप करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बहुत सारा टाइम लगेगा इसमें ओके okay, और बहुत ज़्यादा लेबर लगेगा बट बाई यूजिंग हारवेस्टर बाई यूजिंग थ्रेशर इट वॉन्ट टेक सो लॉन्ग ओके आफ्टर द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग द हस्क ऑफ द ग्रीन्स आर लेफ्ट बिहाइंड देयर आर कॉल्ड काफ विच हैव टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेन्स सो क्या होता है हस्क तो चले गए अब हस्क तो थ्रेशिंग में निकल गए लेकिन छोटे छोटे क्या होते हैं काफ्स होते हैं ठीक है ना जो भी अभी भी ग्रेन्स के साथ बने रहते हैं क्योंकि अगर आप उस को थ्रेशर में डालोगे तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज उसके साथ छोटी छोटी हल्की हल्की इंप्योरिटीज उसके साथ रहती है जिसे हम कहते हैं काफ विनोविंग इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ द लाइटर काफ फ्रॉम द हैवियर ग्रेन्स सो वॉट इज विनोविंग विनोविंग इज द प्रोसेस बाय विच वी सेपरेट्स दीज लाइटर काफ फ्रॉम द हैवियर ग्रेन्स एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ओके दिस इज ग्रेन एंड दिस इज द लाइटर काफ एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोविंग on a small scale it is done by dropping the grains from a height such that the heavier grains fall on the ground and the lighter calf is carried away by the wind. so on the small scale hum kya kar sakte hain hame kuch nahi hame bas wind की opposite direction में खड़ा होना है और we have to drop that grain from the height. एक height से अगर हम उसे drop करेंगे तो क्या होगा grains तो नीचे इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे और जो लाइटर काफ हैं वो साइड में उड़कर चले जाएंगे ओके सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोविंग नाउ वी हैव कवर्ड द होल थिंग हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग एंड विनोविंग और पूरी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में हम डिस्कस कर लिया जस्ट एक प्रैक्टिस रह गई विच इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस विच इज स्टोरेज आपने सब कुछ कर लिया आपने बहुत अच्छा खाना बनाया पूरे दिन की मेहनत करके आपने खाना बनाया और उसके बाद क्या कर दिया उसको बाहर रखा छोड़ दिया तो आपका खाना क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा सो स्टोरेज ऑफ क्रॉप इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट ठीक है अब स्टोरेज कैसे करना है किस में करना है क्यों करना है ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं और स्टोरेज ज़रूरी क्यों है वाई स्टोरेज इज इम्पॉर्टेंट वंस द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड द ग्रेन्स हैव टू बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर एंड सेफ फ्रॉम एनी काइंडट और पेस्ट अटैक सो सबसे पहले हमें क्या करना है वी हैव टू यू नो फ्री आर ग्रेन्स फ्राम द मॉइस्चर नमी से हमें उन्हें बचाना है नमी के साथ साथ किस से बचाना है हमें मॉइस्चर के साथ साथ वी हैव टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द इंसेक्ट इंसेक्ट्स और पेस्ट से हमें उन्हें बचाना है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर प्रमोट्स माइक्रोबियल ग्रोथ इन द ग्रेन्स सो अगर हमारे जो ग्रेन्स होगा उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा नमी प्रेजेंट होगी तो क्या हो जाएगा ऐसा ये हो जाएगा बच्चे कि उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाएगी क्योंकि जहाँ भी थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता है वहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है मतलब छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं छोटे छोटे जर्म्स होते हैं उनकी ग्रोथ हो जाएगी सो ग्रेन्स आर फर्स्ट ड्राइड इन द सन एंड देन पैक्ड इन गनी बैग्स और मेटेलिक बिन टू बी स्टोर्ड इन वेल वेंटिलेटेड गोडाउंस सो so, सबसे पहले हम क्या करते हैं वी हैव टू यू नो उनको जितना भी ग्रेन्स है उसको अच्छे से सन में ड्राई कर लेते हैं ताकि वो बिल्कुल मॉइस्चर फ्री हो जाएं उसके बाद हम उन्हें गनी बैग्स यानी कि जो बोरियां होती हैं गनी बैग्स उनमें पैक करते हैं या कुछ मेटेलिक बिन होते हैं उनमें पैक पैक करके अच्छे से जो वेंटिलेटेड होते हैं ना वेल वेंटिलेटेड जिसमें कि हवा आराम से आ जा सकती है ऐसे गोडाउन्स में हम उन्हें रखते हैं पेस्टिसाइड्स आर ऑफ्टन स्प्रेड इन गोडाउंस टू अवॉइड द पेस्ट अटैक तो हम जनरली गोडाउंस में ग्रेन रखने से पहले पेस्टिसाइड स्प्रे कर देते हैं जिससे कि पेस्ट अटैक ना हो लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज़ डन इन ग्रीनरीज और साइलॉज टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट सच एज रोटेंट माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट और जो लार्ज अमाउंट ऑफ वो होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन हमें अगर रखना है कमी तो फिर हम कहाँ रखते हैं उसको हम जनरली उसको ग्रीनरीज में रखते हैं या साइलॉज में रखते हैं ठीक है ना जिससे वो हम उसे पेस्ट और रोडेंट्स माइक्रोब्स और इंसेक्ट इन सबसे हम क्या कर सकें बचा सकें प्रोटेक्ट कर सकें ओके सो ये हमने सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से पार्ट सेवन में फिनिश कर ली नाउ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ इम्प्रूविंग क्रॉप प्रोडक्शन दैट हाउ वी कैन इम्प्रूव द क्रॉप प्रोडक्शन हमें अपना क्रॉप प्रोडक्शन हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कैसी ऐसी टेक्निक्स यूज़ करें कैसे मेथड्स यूज करें बाय विच आर क्रॉप प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी इंक्रीजेज सो देयर हैज़ ऑलवेज बीन अ इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड थ्रू आउट द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एज यू ऑल नो कि हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है इवन नॉट इन इंडिया पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन धीरे 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 इंक्रीज हो रही है और काफ़ी अच्छे इंक्रीज़ हो रही है अब जैसे कि जितने भी लोग इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से फूड की डिमांड भी इंक्रीज होगी ठीक है ना तो ये हो रहा है लेकिन हाउ वी कैन मीट दोज इंक्रीजिंग डिमांड टू मीट दिस इंक्रीजिंग डिमांड देयर इज़ अ नीड टू इंक्रीज़ द क्रॉप प्रोडक्शन अगर हमें ये डिमांड को मीट करना है मतलब अगर हमें सारे लोगों को तो खाना पहुँचाना है हर किसी को खाना देना है तो हमें अपना क्रॉप प्रोडक्शन भी क्या करना पड़ेगा वी हैव टू इम्प्रूव दैट सम ऑफ द कॉमन एरियाज़ वेयर वी कैन इम्प्रूव आर यूजिंग राइट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र एंड मेन्योर प्रोवाइडिंग बेटर इरीगेशन फैसिलिटीज टू फार्मर्स यूजिंग गुड वेराइटी ऑफ सीड्स एंड सोइंग एंड एफिशेंट स्टोरेज मेथड्स सो हाउ वी कैन इम्प्रूव आर क्रॉप प्रोडक्शन फर्स्ट इज़ यूजिंग राइट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड मेन्योर हमें राइट अमाउंट ऑफ हेड फर्टिलाइजर और मे्योर का यूज़ करना चाहिए ना तो ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ना ही कम ओके प्रोवाइडर बेटर इरीगेशन फैसिलिटी टू फार्मर्स इरीगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं होती है फार्मर पर आज भी हमारी जो मैक्सिमम हम डिपेंडेंट हैं इरीगेशन के लिए वो रेन पर डिपेंडेंट है तो हमारे पास जो इरीगेशन फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं होती है. अगर हम इरीगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएँ तो अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन हो सकता है यूजिंग गुड वेराइटी ऑफ सीड फॉर सोइंग एंड एफिशेंट स्टोरेज मैथड हम जो भी सीड्स यूज़ करें वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए अच्छी क्वालिटी के साथ उसके बाद जो उसका स्टोरेज होना चाहिए वो भी बहुत एफिशिएंट होना चाहिए मीन जहाँ भी हम स्टोर करते हैं पूरी क्रॉप वो अच्छे से होनी चाहिए वो बेकार नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने क्रॉप का प्रोडक्शन कर लिया बट स्टोरेज ठीक नहीं गया ठीक है तो ऑब्वियसली वो क्रॉप बेकार हो जाएगी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव क्रॉप वेराइटी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एंड फार्मर्स आर यूजिंग न्यू टेक्निक्स वन सच टेक्नीक इज प्लांट ब्रीडिंग सो जितने भी साइंटिस्ट हैं जितने भी हमारे फार्मर्स हैं दे आर यूजिंग यू नो वेराइटी ऑफ टेक्निक्स टू इम्प्रूव द क्रॉप प्रोडक्शन और क्रॉप वेराइटी और उनमें से एक क्या है, उनमें से एक है आपकी प्लांट ब्रीडिंग नाउ वॉट इज़ प्लांट ब्रीडिंग लेट्स डिस्कस इट इज़ ऑफ्टन ब्रॉट अबाउट टू इम्प्रूव द जेनेटिक मेकअप ऑफ क्रॉप सो दैट दे आर इकोनॉमिकली मोर यूजफुल तो so, क्या है इसमें हम जनरली क्या करते हैं जो जेनेटिकल मेकअप होता है किसी भी क्रॉप का वो हम इम्प्रूव कर लेते हैं ताकि वो इकोनॉमिकली हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल हो ब्रीडिंग और क्रॉस क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्रॉप टू हैव डिज़ायरेबल क्वालिटी ऑफ बोथ पेरेंट्स ऑफ ऑफ स्प्रिंग इज़ नोन एज हाइब्रिडाइजेशन सो जनरली इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम दो या दो से जो दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं ना वेराइटी के प्लांट्स होते हैं उनमें हम क्रॉस करवाते हैं उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं एक साथ ठीक है तो हमारे पास क्या हो जाता है दोनों टाइप की वो आ जाती हैं खासियत आ जाती हैं ओके सो दिस इज़ कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसमें हम ब्रीडिंग करवाते हैं क्रॉस करवाते हैं दो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के बीच में और जैसे हम दो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के बीच में ब्रीडिंग uh, करवाते हैं तो हमें डिजायरेबल उनके फीचर्स मिल जाते हैं जिसे कहते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन द हाइब्रिड सो कुड बी बेटर यील्ड डिसीज रेजिस्टेंस ड्रॉट रेजिस्टेंस ई टी सी अब जो भी हाइब्रिड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसमें क्या क्या खासियत हो सकती है उसमें ये खासियत हो सकती है सबसे पहली बात तो उसकी एक बैटरी यील्ड मिल सकती है हमें अच्छी क्रॉप मिलेगी हमें वो डिसीज़ रेजिस्टेंस होती है मतलब उसमें जल्दी डिसीज़ नहीं लगते ड्रॉट रेजिस्टेंस होती है मतलब अगर सूखा पड़ गया तब भी वो बच सकती हैं हाउ एवर द डिसएडवाटेज कैन बी डैट दिस क्रॉप मे प्रोवाइड लेस फूड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र वी डिसाइड एंड पेस्टिसाइड अब हर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एडवांटेज तो ऑब्वियसली होता है तो उसके साथ डिसएडवांटेज भी होता है जैसे फ़ॉर एग्जांपल अगर इसका सिर्फ एडवाटेजिज़ ये तो आप कहेंगे सर हम फिर क्यों नहीं करवाते हम ऐसा ऐसा हर जगह क्यों नहीं करवाते बिकॉज इसका एक डिसएडवांटेज भी है डिसएडवांटेज ये है कि इसमें लेस फोडर फोडर जो होता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पशुओं का चारा जो होता है ना वो बहुत कम मिलता है हमें उसके साथ साथ दे नीड यू नो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है इसमें अब बहुत ज़्यादा अगर फर्टिलाइज़र का हम यूज़ करेंगे तो हमारी लैंड ख़राब हो जाएगी ओके okay, इसमें बहुत ज़्यादा साइड्स का यूज़ होता है बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन हो जाता है तो इसका कहीं ना कहीं एडवांटेजेस है बट डिसएडवांटेज भी है तो इसीलिए हम इसको ज़्यादा भी यूज़ नहीं कर सकते ओके सो दैट्स हाउ वी कैन इम्प्रूव द क्रॉप प्रोडक्शन जनरली हमें क्रॉप प्रोडक्शन जो हम प्रैक्टिस यूज़ कर रहे हैं उन्हीं में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ओके चलिए सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे I hope you all are doing good at your homes and please stay tuned for the more lessons.